नेटफ्लिक्स वालों ने रिलीज किया है काला का ऑफिशियल ट्रेलर, जिसका रन टाइम है 2 मिनट 7 सेकंड। काला में डेब्यू करने वाले हैं इरफान खान के बेटे बाबिल खान और साथ में दिखेंगी तृप्ति दिमरी। फिल्म के डायरेक्टर है अन्विता दत्त, जो इससे पहले बुलबुल में काम कर चुके हैं। बुलबुल के बाद अन्विता तृप्ति का ये सेकंड कोलैबोरेशन है, जिसका ट्रेलर देख के काफी एश्योरिंग लग रहा है। ट्रेलर देख के पता चलता है कि ये 1930 से लेके 1940 के बीच कोलकाता में कोई प्लेबैक सिंगर के लाइफ स्टोरी को दिखाया गया है, जहां हमें माँ और बेटी का अनोखा एक साइड भी दिखेगा। माँ के रोल पे वर्सेटाइल एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी और बेटी काला के रोल पे तृप्ति दिमरी को देख सकते हैं हम लोग। तृप्ति का एक्टिंग बहुत नेचुरल और प्रॉमिसिंग लग रहा है। बाबिल भी शायद कोई प्लेबैक सिंगर का रोल प्ले करेंगे, जो तृप्ति के साथ कॉम्पीट करते दिखेंगे। ऐसा म्यूजिकल ड्रामा देखने में फ्रेश फील हो रहा है काफी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ट्रेलर। देखते हैं मूवी कैसे बन के आता है। आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं 1 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।